मैया मैया
दुनिया की को अच्छा लगता है। अच्छा क्या है तो एक बार सभी लोग हाथ उठाएं, हाथ हर घर क्या बनेंगे आप लोग, क्या बनेंगे राजा और कितने लोग बैठेंगे। एकादशी तो काल है, एक जोर से बोलो क्या बोलना है। राधे राधे प्यार से बोलेंगे सभी लोग एक बार हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाकर ताली बजाकर बोलेंगे। जिनका नाम था श्री दशरथ महाराज। दशरथ का मतलब क्या है, जिनकी दस दिशाओं में रथ चला था। वो इतने बड़े प्रतापी राजा थे। वो नियम होता है इंद्र का सिंहासन में कौन बैठेगा, बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वही केवल इंद्र का आसन पर बैठ सकता। हरे कृष्ण क्या कर रहे, जब कीर्तन होगा ना तभी सब काम करो, अभी चुपचाप बैठ जाए करना, जब कीर्तन होगा बैठ जाए। अभी 100 अश्वमेध यज्ञ करो तभी इंद्र आसन में कोई बैठ सकता है। लेकिन श्री दशरथ महाराज वो जब जाते थे स्वर्ग में इतने प्रताप थे, श्री इंद्र उनको आधा आसन छोड़ देता था और दशरथ महाराज बैठते थे। उसी समय स्वर्ग में एक पुष्प है, जो पुष्प केवल स्वर्ग में और कहीं नहीं, उसका नाम है पारिजात फूल और कहीं ये फूल नहीं है। उसकी एक माला श्री दशरथ महाराज ने इंद्र पहनाया करते थे। जब दशरथ महाराज वापस आते थे वो माला को साथ में लेकर आते और पत्नियों को दिखाते थे, देखो मैं स्वर्ग से आया, तो ये फूल ये मरे जगह तो नहीं होता। और वो फूल की एक विशेषता है, वो फूल कभी मुरझाएगा नहीं। एक दिन दशरथ महाराज गए, गले में माला डाल दी, जैसे होता है माला डालने के बाद हम माला को उतार रख देते हैं, उन्हें उसी सिंहासन पर रख दिए। जब वापस आ रहे थे उन्होंने भूल गए माला लाने का। जब थोड़ी दूर आए याद आया, अरे हमने तो माला छोड़ दी, अभी जाते ही रानियां बोलेगी, बोले माला रहा है। फिर दशरथ महाराज वापस गए, जब वापस गए देखा दशरथ महाराज जिस सिंहासन पर बैठे थे ना, वो सिंहासन को धुलाई कर रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे। दशरथ महाराज बोले भैया मैंने यहाँ बैठा था, तुम लोगों ने इसको धुलाई क्यों कर रहे हैं। इंद्र ने कहा महाराज आप दुखी मत बना, बुरा मत मानना, आपके घर में संतान नहीं है ना,
आप यहाँ बैठे थे इसलिए स्थान अपवित्र हो गया है, इसलिए ये स्थान को हम साफ कर रहे हैं। दशरथ महाराज इतने दुखी हुए, मेरा नाम ही दशरथ है, दस दिशा में मेरी रथ चलती है और आधा इंद्र का सिंहासन में बैठता हूँ, लेकिन इस संतानहीन होने का नाते मैं जिस आसन पर सोने की आसन पर बैठ गया और उसको ये साफ सुथरा कर रहे हैं। मन में बड़ी उनकी क्लानी हुई, उनने वापस आए और उनने वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, आप कोई पुत्र यज्ञ करवाओ, जिस यज्ञ को जरा घर में भी संतान हो, अभी उम्र भी मेरा धीरे 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 उम्र भी बीतती जा रही है। तो उन्होंने बोले देखो ये यज्ञ को सब नहीं कर सकते हैं, वही व्यक्ति कर सकते हैं, कहते आठ तरह का मैथुन होता है, जो अष्ट मैथुन से जो बड़े बड़े। बोले भैया ऐसे व्यक्ति कौन मिलेगा, बोले जिसके हृदय में कभी भी काम की कोई वासना ही नहीं जगी। बोले भैया ऐसे ऋषि मिलेगा कहाँ, बोले वो मिलेंगे, उनका नाम है श्री ऋषभ सिंह मुनि, वही ये यज्ञ कर सकते हैं। फिर उन्होंने ऋषभ सिंह मुनि को बुलाए और उन्हें सिर्फ उत्कृष्ट यज्ञ करवाए। कौन किसको सुना रहे, माँ यशोदा कृष्ण को सुना रहे, और कृष्ण ओंकार भर रहे थे, बोले हों 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 कर रहे थे। बोले मैंने उसमें जो खीर निकला मैंने तीनों रानी को खिला दी, और उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप श्री चतुर्विह रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न रूप में भगवान इस जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री रामचंद्र प्रभु की, बोले श्री लक्ष्मण लाल की, बोले श्री भरत की, बोले श्री शत्रुघ्न लाल की। भगवान चतुर्विह रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, और जब धीरे धीरे दोनों चार बच्चे बड़े हुए उनको गुरुकुल में भेज दी गई, और गुरुकुल में 64 दिन में उन्होंने ये 64 विद्या को अध्ययन करके वापस आए। एक दिन श्री विश्वामित्र जी आए, बोले महाराज दशरथ जब हम यज्ञ करते हैं ये राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, बीच में विष्टा मूत्र को विसर्जन कर देते, हम तो यहाँ करने पर मार सकते हैं, लेकिन अगर यज्ञ करते समय बीच में अगर क्रोध आए ना, फिर यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलता है। हम चाहते हैं इसका फल श्री प्रभु राम को मिले, इसका विजय प्रभु राम का मिले, इसलिए आप राम लक्ष्मण को मेरे को दो। तो उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को लेकर जाते समय बीच में प्रभु ये तारका को देख लिया। जब उन्होंने विश्वामित्र जी की आश्रम को पहुंचे, बोले गुरुदेव हम कोई चिंता मत करो, हम यज्ञ प्रारंभ करो। राम और लक्ष्मण दोनों धनुष लेकर खड़े हो गए। जब राक्षस लोगों ने देखा धुआं निकली, वो राक्षस लोग आए हैं, वो स्वभाव मार आए, राम और लक्ष्मण ने बाण मार मार करके जितने राक्षस आए सबको मार करके वहां भगा दिए वहां से। जब वो यज्ञ पूरी हो गई, विश्वामित्र बोले राम तुमने एक तो यज्ञ पूरी कर दी और एक यज्ञ मिथिलापुरी में हो रही है, वो यज्ञ भी तुम्हें ही पूरी करना पड़ेगा। अब राम लक्ष्मण को जब लेकर गए, रास्ता में माता अहल्या गौतम ऋषि के अभिशाप से वो पत्थर बनी हुई थी, भगवान राम जब उनको चरण स्पर्श करने जा रहे थे, विश्वामित्र जी ने बोले राम उनको उद्धार करो। जब चरण स्पर्श करने जा रहे थे इतने में राम तो बड़े संकोच में पड़े गए, डर रहे थे। बोले क्यों डर रहे थे, बोले ये बहुत बड़ी विद्या है, क्योंकि मेरे प्रह्लाद नाम का एक भक्त हुए हैं जिन्होंने पत्थर मेरे को प्रकट कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रह्लाद को बताओ तेरे भगवान कहाँ है, प्रह्लाद ने बताया ये तो बता दे भगवान है नहीं कहाँ तो बता, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हुए है, बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, बोले प्रभु पिताजी आपका आंख में काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा रहा, इन्हीं जड़ आंखों से आप प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए तभी दर्शन कर सकते हो जब इन आंखों से प्रेम भी अंजन को आप लगाओगे,
लेकिन आपका आत्मा तो काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष ही हिंसा छल कपट से आपका हृदय भरा पड़ा हुआ, इसलिए नहीं दिखेगा। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। जब हिरण्यकश्यप एक वृष्टि का गाल रहा था, खब फट गया, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, इसलिए प्रभु राम सोच रहे हैं प्रहलाद तो मेरे को पत्थर से निकाल दिया, लेकिन अभी मेरी बारी है, मेरी परीक्षा है, अभी पत्थर से भक्त को प्रकट करना पड़ेगा। वो तो सक्सेसफुल हो गया, अगर पत्थर से भक्त नहीं निकला ना, फिर तो मेरी नाम बेइज्जती हो जाएगी। इतने में भगवान राम जब वो पत्थर को स्पर्श करते हैं माता अहल्या वहां से अहल्या की प्रकट हुई। इतने में कहते भगवान जब पहुंचे कहां पर, जनकपुरी में भगवान पहुंचे। पहले दशरथ श्री जनक महाराज ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये भगवान को मानते थे। भगवान तो निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप, उनका रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो तो एक प्रकाश है, एक ज्योति स्वरूप है। लेकिन जब भगवान राम पहुंचे जनकपुरी में, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले जब उन्होंने प्रभु राम को दर्शन किया है ना, वो दर्शन करते ही भगवान को जो ब्रह्म ब्रह्म कहता था, वो निराकार निराकार निर्विशेष कहता था, और उनको दर्शन मात्र से हृदय से वो जो ब्रह्म सुख खत्म हो गया, और उनका मन प्राण चित्त तो प्रभु राम में लग गया। फिर उनको पता चला राम कौन है, राम ब्रह्म नहीं। फिर राम कौन है, बोले ये परम ब्रह्म है। ये कौन है, परम ब्रह्म है। फिर तो दशरथ ये जनक महाराज समझ गए, ये जो धनुष यज्ञ मैंने कर रहा हूं ना, यही केवल तोड़ेगा। बोले क्यों तोड़ेगा, बोले एक दिन मैया सीता गेंद खेल रही थी, और गेंद खेलते खेलते वो जो धनुष था, वो सीम धनुष था, जिसको 400 व्यक्ति उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। लेकिन मैया जाने की छोटी सी थी, 8-10 साल उम्र की, वो गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे फंस गया धनुष को नीचे, और मैया सीता ने एक हाथ से उठा दी और उसको नीचे से गेंद को निकाल दी। जनक महाराज देखे, अरे ये क्या, जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, मेरी बेटी एक हाथ से उठा कर निकाल दी, इसका मतलब मेरी बेटी है ना ये साक्षात लक्ष्मी है। मेरी बेटी कौन है, लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी को कौन शादी कर सकता है, और नारायण ही शादी कर सकता है। इसलिए वो समझ गए, बोले नारायण कौन बन सकता है, बोले ये धनुष को जो उठा देगा वही केवल नारायण है। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की, ये धनुष को जो उठा कर इसमें प्रत्यर्थ चढ़ाएगा, उसके साथ में मेरी बेटी श्री जानकी की उसकी साथ में ही शादी होगी। इतने में श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बोले, बोले जाओ बच्चों, मैं ठाकुर जी को पूजा करना चाहता हूँ, जाओ वाटिका से फूल चयन करके लाओ। जब भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते ही सारे फूल अपने आप खिल गए, और वो फूल चयन नहीं कर रहे थे, वो फूल स्वयं प्रभु के हाथ में समर्पित हो रहे थे। बोले कौन सा फूल समर्पित हो रहे थे, तोड़ रहे थे, बोले जो खिले हुए फूल थे। इतने में खिले हुए फूल को तो तोड़ रहे थे, लेकिन जो अधखिले जो कलियां थी ना, वो पीछे पीछे सबके सब रो रहे थे।
लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया रो रहे क्यों? बोले प्रभु में हम रोएंगे नहीं, क्या हंसेंगे? बोले तुम भी हंसो ना, रोता ही क्यों? बोले आज अगर हम खिले हुए होते ना, प्रभु राम तो खिले हुए फूल पर चयन कर रहे हैं, अधिकले कर लिए हमें, प्रभु तो हमें चयन ही नहीं कर रहे हैं। बोले मैं हूं ना, मैं तुमको ठाकुर की सेवा में लगाऊंगा। इतने में श्री लक्ष्मण जी क्या ये जो अधिकले कलियों को तोड़ना शुरू किया, तोड़ करके प्रभु राम को बोले, बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको इस वाटिका में बैठा करके अपना हाथों से मैं श्रृंगार करना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं। लक्ष्मण बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की कली की गुच्छा बनवाए और प्रभु की जो चोटी में बड़े सुंदर श्रृंगार करते। बोले खिले हुए फूल कहाँ पर है? बोले प्रभु का हाथों में। बोले अधखिले कली कहाँ पर है? ठाकुर जी की चोटी में। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है भले ही हम खिले हुए क्यों नहीं हो, खिले हुए मतलब भले ही हमारे अंदर में सारे गुण क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक श्री गुरु जी की शरण में नहीं जाते हैं ना, ये प्रभु की सेवा में हम नहीं लग सकते हैं। लक्ष्मण कौन है? ये गुरु है। वो खिले हुए फूल कहाँ पर? ठाकुर जी के सर चोटी में, और खिले हुए फूल जहाँ के तहाँ अभी ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग पाए। इसलिए यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं इसका तात्पर्य है, जब तक जीव किसी सदगुरु की शरण में नहीं जाते है ना, भले ही तुम्हारे अंदर में जितने गुण क्यों नहीं हो, तुम ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकते हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहते हैं, बले बिनो गोरु बाबा निधि तारा ए न कोई, जब तक जीव किसी सदगुरु की चरण में नहीं जाए, कभी ब्रह्मा शंकर जैसे क्यों नहीं बन जाए, कभी ये भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बोले बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दियो बताए। बोले देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना। बोले एक समय कोई एक साधु, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, एक साधु वहाँ ठाकुर जी की कथा सुना रहा था। वो कथा सुनाते सुनाते बोला, देखो जो ठाकुर जी के नाम ग्रहण करेगा ना, वो भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन उसको घर में तोता पालता, तोता के पिंजरा में था। जब वो संत ने कहा ठाकुर जी के नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाएगा, वो तोता जोर जोर से बोला, बोले झूठ है, झूठ है, ये बात एकदम झूठ है। वो साधु ने पूछा, भैया तू ऐसे क्यों कह रहे हो झूठ झूठ? बोला आप मेरे को देख लो, मैं एक छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, मालिक जब जब आता है उसका राम राम सीता सीते राधे राधे में दिन भर बोलता रहता हूँ। मैं ठाकुर का नाम लेता हूँ तो दिन भर, लेकिन ये छोटा सा पिंजरा से भी अभी मेरे को मुक्ति नहीं मिली। हम तो बहुत बड़ी बात कहते हो, जो ठाकुर जी का नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है, ये 84 लाख योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। हाँ मेरे को देख लो ना, अगर ठाकुर जी के नाम लेने से पार हो जाते फिर ये छोटा सा पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिलती। उसने कहा, भैया बात तो सही बात है। उसने वापस आया और अपना गुरु जी को बताया, बोले गुरु जी मैं वहां तो कथा सुना रहा था, मैंने कहा ठाकुर जी के नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाएगा, वो तोता मेरे को ऐसे ऐसे बोल बोले झूठ बात है झूठ झूठ। और मैंने पूछा तो उसने ये उदाहरण दिया,
तो गुरुजी ने कहा बेटा चल मैं कल तेरे साथ में स्वयं जाऊंगा। गुरुजी दूसरे दिन आए, बोले तुम कथा करो। जब उसने कथा की तो उन्होंने बताए ठाकुर जी का नाम लेने से जी ये भव बंधन से जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर कहता वही बात झूठ झूठ झूठ। गुरु जी ने कहा भैया तू झूठ झूठ क्यों बोलता हो? बोले मेरे को देख लो ना, मैं दिन भर तो मालिक और राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहता हूँ और ये छोटा सा पिंजरा से भी मेरे को मुक्ति नहीं मिली। फिर तो ये भवसागर तो बहुत बड़ी बात है। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा, इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, चूंकि तुमने जो नाम ले रहे हो ना वो अपनी आप से ले रहे हो, तुमने किसी सदगुरु से तुमने ये नाम नहीं ली, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिलती है। बोले फिर आप तो मेरे को नाम दो। तो गुरु ने उसको कान में धीरे 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 कुछ मंत्र बताया है, उसको धीरे धीरे कुछ मंत्र बताया। जब ये कथा समाप्त हो गई, इतने में तोता तो प्राण त्याग दे। सब लोगों ने तो बोले भैया वाह वाह बड़ा आश्चर्य की बात है, देखो ये तोता कथा सुनते सुनते उसने क्या क्या अपना शरीर को ही त्याग दे दिया, मतलब इसकी मुक्ति हो गई, चलो इसकी हम सब मिलकर के आरती निकालेंगे। अभी उन्होंने तोता की अर्थी निकाले, अर्थी में उसको लेटा दिया और सुंदर सुंदर फूलों की माला से उनको श्रृंगार करके जब उसको अर्थी निकाल रहे थे ना, इतने में तोता फर्र कर गिर गया। जब जा रहा था इतने गुरुजी ने पूछा क्यों भैया, गुरुजी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ जरूर मिलती है, आज मैंने आपसे मंत्र लिया ना इसलिए मेरे को मुक्ति मिल गई। मतलब गुरुजी उसको कान में सिखाया बेटा अगर जब तक ये पिंजरा में तुम राम राम करोगे ना तब तक तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर मुक्ति बना चाहते हो तुम ये नाटक रचाओ मरने का, और तुम्हारे जब अर्पण निकालना फर करके उड़ जाना, फर करके तो उड़ जाना। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब तक हम किसी शुद्ध साधु से प्रभु का नाम नहीं लेते हैं वो मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? इसका कारण क्या? देखो संत लोगों ने बड़े सुंदर उदाहरण दिया है, आप लोग ये चीज को अच्छे तरह से समझो। कहते ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिससे पेड़ का बीज अगर डायरेक्ट वृक्ष से लेकर के बोगे ना वो वृक्ष नहीं होगा। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा वृक्ष है आप डायरेक्ट वृक्ष से कोई बीज लेकर बो दो, देखना वो पेड़ कभी नहीं होगा। कहते विशेष करके दो वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष एक बरगद का वृक्ष। आप कभी भी नहीं देखोगे ये दोनों पेड़ को नीचे कहीं बरगद का पेड़ कोई पीपल का पेड़ होगा। आप देखोगे ये जो वृक्ष की पेड़ किसी छत के ऊपर में होगा नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में होगा। बोले ऐसे क्यों? उसका एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खाए वो बीज किसी चिड़िया के पेड़ में जाए फिर वो उसको बीट करता है फिर जाकर के इसके वृक्ष होगा। आप देखना है कि वृक्ष बनने के लिए तीन चीज की जरूरत है, पहला नंबर मिट्टी, दूसरे नंबर पानी, तीसरा नंबर हवा। जब ये तीन चीजें होगा ना नहीं तो पेड़ कहीं हो नहीं सकता है, अपने आप कहीं आकाश में पेड़ नहीं हो जाएगा, ये तीन वस्तु चाहिए। लेकिन यहाँ बरगद और पीपल पेड़ को देखना किसी छत के ऊपर में जहां पर कोई मिट्टी पिट्टी है ही नहीं, आप देखना छत और किसी ऊपर में पीपल पेड़ बरगद का पेड़ देखोगे आप उसका तोड़ दो फिर दोबारा हो जाएगा। आप देखना कभी इतने जोर जबरदस्ती होता है वो दीवार को फाड़ करके वृक्ष हो जाती है, देखेंगे नहीं वो फाड़ करके। बोले ऐसे क्यों? बोले वो बीज को जब वो चिड़िया ने गर्भ में लिया उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, वो रस जब उसको प्रदान करती इतने स्ट्रांग बनता है वो सीमेंट के ऊपर में भी वृक्ष हो जाती है। इसका तात्पर्य बताए जब ये भगवत नाम को कोई शुद्ध साधु अंदर में ग्रहण करे और वो मंत्र को भगवत नाम को प्रदान करे वो मंत्र में इतने शक्ति होती है तुम्हारी हृदय में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं होने पर भी वहां पर भी प्रभु प्रेम के रस को संचार करते। अब वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन वाल्मीकि का नाम सुने हो? सुने हो? वो पहले कौन था? ये था पहले दशरथ नागर। उसने इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, जनेऊ से उसने कुएं तक भी भर दिया उसने। जब श्री नारद जी से मिले, बोले तुझे इतना पाप कमा करके
पाप को तरह पैसा कमाते उसको कौन लेगा? बोले मेरे बीवी बच्चे परिवार वाले पूछ कर क्या, कोई भी लेने के लिए तैयारी नहीं हुई। बोले आप तो सही बता रहे थे, ये सुख का समय सारा दुनिया साथ में, दुख में तो कोई नहीं। बोले बताओ मुक्ति कैसे होगी? बोले बोलो राम, बोलो बोलो। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मरा मरा। बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, लेकिन क्या? बोले नारद जिसकी मुंह से एक बार मरा नाम लिया, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मनवानी। है अब राम लव कुश देखे हो, टीवी में लव कुश देखे होंगे, उन्होंने भगवान राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिखी थी और उन्होंने लव कुश को पढ़ाया। और लव कुश ने क्या की, राम दरबार में राम को उनकी कथा सुनाई। इसलिए अभी जो फूल यहाँ पर, अभी जो खिला हुआ फूल कहाँ पर है, प्रभु राम का हाथों में, और अधखिले फूल कहाँ पर है, ठाकुर की सर पर। क्यों? बोले उन्होंने श्री लक्ष्मण जी की शरण में गए, और लक्ष्मण कौन है, गुरु जी। अगर गुरु जी की शरण में अगर चले गए, हम अयोग्य होने पर भी गुरु जी हमें ठाकुर की सेवा में लगा देंगे। ठीक उसी समय में माँ सीता भी उसी वाटिका में वो पुष्प चयन करने के लिए आई थी गौरी पूजा के लिए। जीवन में पहला बार प्रभु राम सीता को देखे और माँ सीता प्रभु राम को देखी। भगवान राम कभी भी सार उठा करके किसी दूसरे स्त्री को कभी जिंदगी में नहीं देखे, लेकिन पहला बार उन्हें केवल माँ सीता को देखे। और सीता भी कभी दूसरे पुरुष को कभी सर उठा करके नहीं दिखी, लेकिन जीवन में पहला बार उन्होंने प्रभु राम को देखी। जब राम घर में आ गए ना, बोले लक्ष्मण, बोले रघु कुलरी की सदा चली आई और प्राण जाई बरु बचन न जाए। हम लोगों ने कभी भी पराई स्त्रियों को कभी भी हमने देखा नहीं, लेकिन पता नहीं आज मैंने जब जीवन में पहला बार सीता को मैंने देखा, पता नहीं मेरे मन में तब क्या खिल मच रहा है। जैसे पानी में कंकड़ फेंक दो ना, जैसे पानी में लहरी आती है, पता नहीं मेरे हृदय में सीता के प्रति इतने प्रेम की लहरी क्यों आ रही है। लक्ष्मण लगता है जो सीता है ना, शायद तुम्हारी भाभी बनने वाली है, यही तुम्हारी भाभी बनने वाली है। अभी जनक महाराज के दरबार लगा हुआ है, वहां पर राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी को साथ में गए। वहां पर कहते रावण भी वहां पर आया हुआ था, बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे और सबके सब वो धनुष को उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे। कभी वो धनुष इतना भोजन था, रावण उसने क्या किया था, उसने कैलाश समेत शंकर जी को जिन्होंने उठा दिया था, इतना बड़ा पराक्रमी, लेकिन उसने वो धनुष को उठा नहीं सका। किसी तरह से धनुष को नीचे तक हाथ को फंसाया, लेकिन उसने हाथ को नहीं निकाल पाया। समझो ये धनुष कितना बड़ा धनुष था, जब किसी ने भी उठा नहीं सके, लेकिन श्री जनक महाराज वहां बैठे हुए, उनको पता है केवल एक ही व्यक्ति उठाएगा, लेकिन जो उठाएगा ना वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो उठा नहीं पाएगा वही कोशिश कर रहे उठाने के लिए। बोले ये दुनिया में बड़ा आश्चर्य चीज है, जब किसी ने उठा नहीं सके। गोस्वामी जी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं, कहते प्रभु राम क्या है, बोले झंडा है। बोले लक्ष्मण कौन, बोले डंडा है। बोले झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर झंडा रहता है। पहले डंडा उठेगा फिर तो झंडा उठेगा, मतलब पहले लक्ष्मण को उठाओ फिर राम उठेंगे, नहीं तो राम उठने वाले नहीं। इतने में श्री जनक महाराज जी खड़े होकर के थोड़ी सी कड़ी रचना बोल दिए। बोले लगता है ये पृथ्वी ये वीर सुन्न हो गया है, मेरी बेटी जिस धनुष को एक हाथ से बचपन में उठा लेती थी और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा उसको कोई टस से मस भी नहीं कर सके, इतना जो बोले ना वहां लक्ष्मण बैठे हुए। बोले लक्ष्मण कौन है, बोले अनंत नाद है। एक मणिधर सर्प होते हैं जिनके सर पर मणि होता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना फिर वो सर्प पर नहीं छोड़ता है, वो खा जाएगा उसको। कहते मणिधर पर सर्प कौन, बोले लक्ष्मण अनंत ने। बोले मणि कौन है, बोले भगवान राम है।
अगर प्रभु राम को कोई छेड़ देना फिर तो लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे टीवी में देखे होंगे आप, देखना राम को पर थोड़ी सी कोई आंच आ जाए ना लक्ष्मण तिलमिला जाते थे, है ना, क्योंकि उनकी प्रभु है। जब उन्होंने इतनी सी बात बोल दिया पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, लक्ष्मण तिलमिला करके खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, बोले पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, हमको पता ही नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए, त्रिभुवन का राज मालिक यहाँ बैठे हुए, हम तो बचपन में खेलते खेलते ऐसे कितने धनुष को हमने तोड़ दिए, एक सड़ा गला हुआ धनुष की बात कर रहे हो, ये पृथ्वी को एक कच्चा घड़े का भाती में चकनाचूर कर सकता हूँ। जब इतने उन्होंने क्रोध कुमारी बोले ना, वहां पर श्री विश्वामित्र जी श्री राम थे, बोले लक्ष्मण चुप बैठो, दिख नहीं रहा है यहाँ गुरु जी बैठे हुए, अरे गुरु जी को आदेश लेने दो ना, फिर हम देखो हम क्या करते हैं। अभी उपयुक्त समय दे करके श्री विश्वामित्र जी राम को बोले, बोले राम बेटा जाओ, जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को तुम दूर करो। अभी गुरु जी की आदेश को पा करके प्रभु राम धीरे 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 प्रभु राम चल रहे, सामने माँ जानकी खड़ी हुई ऐसे बरमाला लेकर के। जब प्रभु चल रहे थे ना धीरे 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 धीरे, वो जानकी बड़ी दुखी हो रही थी, वो प्राण त्याग करने जा रहे थे, बोले क्यों, बोले ये राम क्या धनुष उठा पाएंगे, बोले क्यों, मन में शंका क्यों, बोले जब सवेरे प्रभु राम पुष्प चयन करने गए थे वो था सवेरे का समय, मीठी मीठी हवा बह रही थी, प्रभु राम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं इनके हाथ में समर्पित हो रहा था, लेकिन उसी समय में भी प्रभु का शरीर से पसीना की बूंद टपक रहा था, मतलब भगवान इसका तरफ इको कम करोगे, इसलिए प्रभु राम इतने कोमल अंग जिनके, मैया सीता सोच रही है इतने जो कोमल अंग है और इतने बड़े धनुष को कैसे उठाएंगे, अगर प्रभु धनुष नहीं उठा पाए राम फिर तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। मैया सीता प्राण त्याग करने जा रही थी, मरने जा रही थी, प्रभु राम देखा सामने सीता खड़ी हुई, ये तो प्राण त्याग करने के लिए जा रही है, बोले का बरसा जब कृषि सुखाई, अरे सीता के लिए तो मैं धनुष तोड़ूंगा, अगर धनुष तोड़ने से पहले सीता अगर शरीर ही छोड़ दिया पर ये धनुष तोड़ने का महत्व तो क्या रह जाएगी। अभी उन्होंने सीता जी की भावना को समझते हुए ना उन्होंने जल्दी 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 चली, और पता नहीं कब उन्होंने धनुष को पकड़े और धनुष को उठाया, जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए इतने में धनुष एकदम दो टुकड़े कर, जब धनुष दो टुकड़े हो गए इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सुनैना जल्दी से जल्दी तुम सीता को लेकर के आओ, अभी सुनैना अभी अपना सहेलियों के साथ में बड़े सुंदर फूलों की माला लेकर के आ रही, ले आओ तब वो जाओ सीता को ले आओ, राम लक्ष्मण सीता बनाया ना वो तीनों को लेकर के आ जाओ काम पर भजन के लिए। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। श्री रघुवर को मन कमल नयन को पहरा Oh, yeah.
पल्लव से बेटे से बेटे सब कुछ सब कुछ श्री राम शक्ति देवी से वैसी तारा अद्भुत रूप निहारा तेरा जय माला श्री रघुवर को कमल नयन को भगवान की शादी होगी तो बैठ जाओ, अरे खड़े मत हो भाई, अभी मत आओ, सब छोड़ के एक मिनट बैठ जाओ, रुकी थोड़ा बैठ जाओ, तब बच्चों में जो बोलूंगा ना ऐसे करना, ठीक है। अभी मैया सीता ने अभी ठाकुर जी गला में माला डालना चाह रही है, लेकिन मैया सीता कितने बड़ी है, भगवान राम के कंधे तक, राम कितने बड़े आप देख रहे हो, फिर मुकुट पहने हुए। जब मैया सीता प्रभु राम की गले में माला डालने जा रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं पहुंच रहा है, इतने में सीता जी को साथ में जो सहेलियां थी वो क्या लगेगी प्रभु राम की, साली, आप देखना साली दामाद को साथ में थोड़ी हंसी दिलगी करते हैं। इतने में सालियां आकर के प्रभु राम के कान में धीरे धीरे बोले, बोले राम जी थोड़ा सर झुका दो ना, सर को झुका दो। राम बोले क्या सर झुकाऊं, तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूं, मेरा पिताजी का नाम दशरथ है, जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलती हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, मैं दशरथ महाराज का बेटा हूं, हमारी वंश में कोई भी किसी की चरण में सर नहीं झुकाए,
और अभी शादी भी नहीं भाई, आप बोल तो सर झुका दो भैया, मैं तो सर झुकाने वाले नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा। भगवान राम तो अकड़ कर भी खड़े रहे। अभी क्या होगा, मैया सीता तो माला लेकर खड़ी हुई, अभी राम को चिंता लग गई। इतने में सीता जी की जो सहेलिया थी ना, लक्ष्मण को कान में चुपकी सी बोले, बोले लक्ष्मण अगर तू हमारे एक एक काम कर लोगे ना, तेरा एक काम कर लेंगे। बोले क्या करोगे? बोले देखो ये सीता जी इतनी सुंदरी, इसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम उर्मिला, वो भी कम सुंदर नहीं, अगर तू हमारा काम कर दो फिर तेरे काम हम भी कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया फिर तो कुछ करना पड़ेगा। इतने में राम बोले लक्ष्मण कुछ कर। बोले प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? लक्ष्मण कौन है? ये धरणीधर पृथ्वी। बोले प्रभु ये पृथ्वी तो दो है नहीं, पृथ्वी तो एक है, अगर पृथ्वी का मैं ऊंचा करता हूँ ये दोनों ऊंचे हो जाएंगे, अगर हम पृथ्वी को नीचा करता हूँ फिर ये दोनों ही नीचा हो जाएंगे। प्रभु मैं क्या करूं? बोले तू कुछ कर, देख तेरे भाभी को देख, माला लेकर खड़ी हुई, वो गला में डाल ही नहीं पा रही है। अभी प्रभु की भावना समझ करके ना लक्ष्मण ने प्रभु राम का चरण में झुक गए। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जब उन्होंने चरण में झुके, इतने में प्रभु राम को चरण में झुके तो उठाना पड़ेगा। जब उन्होंने उठाने के लिए गई, मैया सीता ने माला डाल दी। हनुमान की जय, लक्ष्मण लाल की जय, खुशी रघुबर जी के संग परन लगे, हरे हरे परन लगे भावनिया, सिया रघुबर जी के संग परन लगे, हरे हरे परन लगे के सर समझ
प्रभु राम जी, हर दो बच्चे लोग इनको कोई चेयर दे दो ना, सब घूम रहे हैं सब की सब। बाहर से चेयर, तीन चार चेयर ले आओ दीदी, तीन चेयर ले आओ बाहर से, लोगों को बिठा दो तीन चार चेयर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमत लाल की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। अभी सबके सब बैठ जाओ और ध्यान से कथा सुनो। हरि बोल। देखो कल एकादशी व्रत है। अगर भागवत का बीच में ये एकादशी व्रत आ जाती है ना, समझो इसमें चार चांद लग गई है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ में कोई बार व्रत का नाम नहीं है, केवल एक व्रत का नाम श्री एकादशी की कथा
केवल इसमें एकादशी की कथा आती है, इसलिए आपको थोड़ी सी हम एकादशी के महात्मा को सुनाता हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर ये एकादशी व्रत को आप लोग रखना। आप बताओ तो कौन कौन है एकादशी व्रत रखते हो? देखो तो प्रभु जी, जाओ अंदर में जाओ अंदर। आप लोग भाई एकादशी व्रत रखते हो? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? करी करी बहुत भक्त लोग रखते हो, इसलिए हम थोड़ी एकादशी कथा सुनाता हूँ, आप सब ध्यान से सुनाओ। ठीक है, एकादशी व्रत क्या है, एकादशी व्रत रखने से क्या होता है, इसका क्या फल है, हैं? अच्छे तरह से सुन लो, फिर एकादशी व्रत आप भी रखोगे। कभी ये जो एकादशी व्रत है, कभी इसका जो अधिष्ठात्री देवता ये स्वयं भगवान कृष्ण है, जो दूसरे दूसरे जैसे सोम शंकर जी के लिए, मंगल आप लोग किसी हनुमान जी के लिए करते होंगे, बुधवार आप किसी गणेश जी के लिए करते होंगे, बृहस्पतिवार माँ लक्ष्मी के लिए करते होंगे। ये जो अलग अलग जो व्रत है वो अलग अलग ये देवा देवियों के लिए ये अलग अलग व्रत है, लेकिन ये जो एकादशी व्रत किसके लिए है, बोले एकादशी व्रत श्री बांके बिहारी के लिए ये एकादशी व्रत है। इसलिए जब हम श्री ये एकादशी व्रत को रख लेते हैं, जब श्री बांके बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर में ये 33 करोड़ देवता भगवान के अंदर में विद्यमान, कितना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में बांके बिहारी की कृपा हो जाए उसको ऊपर में सब के सब उसको ऊपर में कृपा कर देते हैं। ये एकादशी व्रत के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्री बांके बिहारी है। ये एकादशी व्रत को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है। क्या व्रत है जानते हो? कल्प वृक्ष मतलब होता है आप जो मांगोगे एकादशी व्रत से, आपकी सारी इच्छा एकादशी व्रत से ही पूरी हो जाएगा। आप लोग पास में एकादशी व्रत की कथा है? आपके पास में रूबी बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। अब एकादशी व्रत की कथा आपके पास में अगर हो अब पढ़ लेना। एक एकादशी का नाम है कामदा, जैसे 15 दिन में एक बार ये एकादशी व्रत आती है, 15 दिन में एक एकादशी व्रत का नाम है कामदा। कामदा मतलब जो हमारी समस्त कामों को जो पूरी करते हैं, इसलिए उसका नाम कामदा। और एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, मतलब जो एकादशी, वो पीछे जो खड़े हुए भैया आप इधर आ गया, इधर आ गया, आप इधर आ गया और वहां बैठ कर कथा सुनो, एकादशी कथा सुनो। ये कथा सुनोगे ना तभी व्रत रखोगे, और एकादशी व्रत सबसे बड़ी व्रत है। एक एकादशी व्रत का नाम है मोक्षदा, मतलब जो एकादशी व्रत करने से जीव को जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी व्रत का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में कुछ पैसा आता है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, वो एकादशी व्रत करने से जीवन का जितने पाप है वो सारे पाप हमारी नष्ट हो जाती है। एक एकादशी का नाम है पुत्रदा, मतलब जिनके घर में संतान नहीं है, अगर वो एकादशी को कोई करे घर में पुत्र संतान की जन्म होता है। एक एकादशी का नाम है सफला, मतलब वो एकादशी व्रत करने से सब कुछ आपका सफल होगा, सब कुछ जीवन में सफल होगा, इसलिए वो एकादशी का नाम है सफला। आप लोग स्वयं एकादशी ग्रंथ अगर हो किसको पास में आप स्वयं पढ़ लेना। कोई व्यक्ति संसार में बड़े दुख कष्ट उठा रहे थे, घर का कोई दुख कष्ट जा ही नहीं रहा था, और उन्होंने एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो गए, सारे दुख कष्ट। किसकी राज्य खो गया था किसी राजा का, उन्होंने एकादशी व्रत की उसका राज्य फिर वापस आ गया। किसकी नौकरी चाकरी नहीं मिल रही थी, शरीर से बड़े दुख कष्ट उठा रहे थे, एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख कष्ट और घर का सारे जंजाल खत्म हो गया। अगर आपके पास में एकादशी ग्रंथ की कथा होगी ना आप स्वयं पढ़ करके देख लीजिएगा उसमें कितने महिमा ये एकादशी की। इसलिए ये एकादशी का नाम बताया, ये एकादशी का नाम क्या है? कल्प वृक्ष व्रत है। क्या नाम है? कल्प वृक्ष व्रत इसका नाम है, मतलब आप जो कुछ एकादशी करके मांगोगे एकादशी से आप सब चीज की प्राप्ति होगी,
सब चीज की प्राप्ति होगी ये एकादशी व्रत से। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोग का मन में शंका हो जाती है, अरे इसका तो उद्यापन करना पड़ जाता है, पता नहीं फिर 3 दिन तक ब्राह्मण लोग भोजन कराओ, फिर इतने पैसा दान दो। नहीं, हम वैष्णव जगत में भक्ति जगत में कभी हम लोग उद्यापन नहीं करते, क्योंकि जो एकादशी है ये कौन है, बल्कि ये लक्ष्मी स्वयं है। कदी ये माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति की माँ है, ये स्वयं राधा जी स्वरूप है। इसलिए राधा रानी को थोड़ी आप घर से विदाई दे दोगे, आप भी थोड़ी विदाई दे दोगे, नहीं। इसलिए भक्ति जगत में कभी कोई उद्यापन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों का फिर कंफ्यूज होते हैं, कभी इसको तो केवल बूढ़ा बूढ़ी करते हैं, जो विधवा वही करती है। बोले नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग, हम कल आपको सब कथा सुनाएंगे, आप भागवत पढ़ करके देखना, जिसमें अम्बरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में उन्होंने मथुरा में आकर के ये एकादशी व्रत को दोनों पति पत्नी की है। भागवत में नंद जसोदा स्वयं दोनों मिल करके ये एकादशी व्रत की थी। इसलिए एकादशी व्रत उन्होंने की थी, दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गई थी और वरुण लोग में उनको पकड़ करके ले गए, क्यों, असमय पर गए थे। इसलिए जिसको रुक्मिणी सत्यभामा जो एकादशी व्रत को रखते थे, अगली जीवन में कृष्ण का पटरानी होकर के जन्म हुआ, कृष्ण पटरानी बनाए। बोले क्यों, बोले उन्होंने एकादशी व्रत रखते थे। सबसे जो बड़ी एकादशी आप सुने होंगे, जिसको नाम पांडवा निर्जला कहते हैं, है ना, सबसे जो बड़ी एकादशी पांडवा निर्जला, मतलब जिसको पंच पांडव हैं, द्रौपदी और कुंती को साथ में जो व्रत रखते थे। क्या द्रौपदी विधवा हो गई थी, उसने व्रत की, बोले नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए एकादशी व्रत को बताया 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत करना जरूरी है, हैं? और एकादशी व्रत का दिन ये अर्न में, बोले सबसे बड़ा पाप 5 पाप है, एक गोहत्या, एक ब्रह्म हत्या, एक पिता माता हत्या, एक भ्रूण हत्या। कहते एकादशी का दिन अर्न में ये सारे पाप आश्रय करके रहते हैं। एकादशी का दिन जो अर्न भोजन करता है उनको सारे पाप भोगना पड़ता है, सारे पाप की मुक्ति है। लेकिन कहते हैं जो एकादशी व्रत का दिन अन्न भोजन करते हैं उनका कोई मुक्ति नहीं, इतने बड़ी पाप है। इसलिए कल एकादशी व्रत है, इसलिए कल आप सबके सब श्री एकादशी व्रत रखना, ठीक है, एकादशी रखोगे नहीं, हाँ कल के सबके सब, एक कल आपको मैं अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा, कैसे एक समय पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लेकिन उनको पता ही नहीं था आज एकादशी व्रत है। सबर हो गई, ठंड मन हो गई, अब पता होगा, कभी घर में लड़ते होंगे, अब तक ना मान कर लो ना 2-3 दिन तक तो खाना नहीं खाते, उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, दोनों में सबर सबर ठंड मन हो गई, उसी दिन उन्होंने खाना ही नहीं खाए। पत्नी ने घुसा करके बोला जी खाना नहीं बनाऊंगी, पत्नी ने कहा मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने अनजान में एक व्रत किया, कल हमको कथा सुनाएंगे, अगली जीवन में देश का राजा और रानी बन करके जन्म हुई, अनजान में एक एकादशी व्रत रख लिया, तो इसमें इतने पुण्य हैं। और देखो जो एकादशी व्रत है ये एक साइंस है, देखो जो जो थोड़ी थोड़ी लिखा पढ़ा जानते हो बच्चे, आज ये कथा के बाद में तुमको पूछूंगा, अभी ध्यान देकर सुनो, ये एकादशी कैसे के साइंस है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग जो जो विधि रखा है वो सबके सब साइंस है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जैसे व्यास, पराशर, वाल्मीकि, त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे, त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने जो जो विधि विधान भक्ति में रखा है वो सबके सब वैज्ञानिक पद्धति है, हैं? आप लोग तो जो लिखे बड़े बच्चे हैं, देखना न्यूटन ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही है, न्यूटन सर कहते हैं, लेकिन अभी भी इसकी थियोरी में अभी का जो साइंटिस्ट बहुत गलत बता रहे हैं। लेकिन हमारे जो गीता, भागवत, रामायण, देखना बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती, क्यों, एक साइंटिस्ट ने एक बताया, दूसरा साइंटिस्ट आकर के उसको फिलोसोफ काट कर चला गया। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना रामायण का कोई एक लाइन कोई किसने बदला, गीता की कोई एक लाइन किसने बदलवाया, भागवत का कोई लाइन बदला आपने सुना है कभी, सुने हो कभी, कभी नहीं बदला, क्यों, ऋषि मुनियों का जो इंद्रिय परफेक्ट था, इन लोगों ने दिव्य दृष्टि से जो देखा है वो चीज को लिखे हैं। देखो ये एकादशी कैसे साइंस है,
ध्यान देकर सुनो, हरे कृष्ण ध्यान में आप सबको पूछूंगा क्या सुन, इसमें क्या साइंस है। देखो ये शरीर एक मशीन है, आप कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओ वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे यहाँ मशीन चल रही है, अगर ये 24 आवर अगर सब समय चलती रहेगी ये मशीन काम करेगा, कुछ दिन बाद में खराब हो जाएगी। ध्यान अगर 24 आवर चलेगी वो चलेगी, कुछ दिन बाद में अभी खराब हो जाएगी। इसलिए ये शरीर एक मशीन है, इसलिए अगर ये मशीन को अगर हम कंटिन्यू बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाती रहती है, अगर दिन भर हम इसको चलाते रहेंगे ये शरीर ज्यादा दिन नहीं जाएगी, ये शरीर हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए देखो जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी होता है कि नहीं होता है? संडे को छुट्टी, बोले क्यों? अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी आती है, बोले क्यों? बच्चे को 7 दिन ही पढ़ाओ ना बढ़िया पढ़ेगा, बोले नहीं वो पागल हो जाएगा, वो बढ़िया पढ़ेगा नहीं पागल हो जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं 7-8 पीरियड उसमें होगा, बीच में एक रिसेस होता है कि नहीं? खेल छुट्टी होता है, बोले क्यों? ये खेल छुट्टी क्यों करते हैं? ये ब्रेन एक मशीन है, अगर बीच में आधा घंटा 20 मिनट बच्चे अगर खेल कूद लेते ना ये ब्रेन फ्री हो जाती है, फिर क्या करते हैं? फिर इसको कैच करते हैं, फिर पढ़ते हैं। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है, इसलिए ऋषियों ने देखा ये शरीर के बगैर तो भजन हो ही नहीं सकता है। शरीर सुस्त रहे तभी तो भजन करोगे ना, अगर बीमारी हो गई तो भजन कैसे करोगे? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोले भैया 15 दिन में एक बार ये शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो। कितना दिन में? 15 दिन में ये शरीर को थोड़ी सी विश्राम दो, फिर तो ये शरीर बढ़िया से काम करेगा। हाँ अभी एक प्रश्न आता है, अभी हम एकादशी का दिन इसको क्यों विश्राम दें? और भी तो किसी दिन व्रत रख करके विश्राम दे सकते हैं, एकादशी का दिन ही क्यों इसको विश्राम दें? ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, एकादशी में क्या चीज है? आप लोगों ने सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने कि नहीं? ज्वार भटा होता है, ये ज्वार भटा कब होता है? जो लोग साइंस पढ़ते हो देखना, ये पृथ्वी का एक माध्याकर्षण शक्ति है, माध्याकर्षण शक्ति है, इसलिए पृथ्वी वो चंद्रमा को खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को खींचती है, दोनों के अंदर में दोनों को खींचते हैं। खींचने पर आप देखना समुद्र में जो हाई टाइड होती है, पानी जो ज्वार भटा होती है, देखना एकादशी का दिन से वो ज्यादा समुद्र का पानी, जो हम लोग तो कोई समुद्र किनारे में नहीं रहते, हम लोग रहते हैं उड़ीसा में, वो एकादशी का दिन जो लहरी आती है ना थोड़ी ज्यादा लहरी आई, द्वादशी में और थोड़ा ज्यादा लहरी, और पूर्णिमा का दिन इतने बड़ी बड़ी लहरी आती है, पानी उफन लगती है, पानी उफन लग जाती है। फिर पूर्णिमा के बाद में जो अमावस्या आती है, जो प्रथमा द्वितीया में धीरे 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 पानी कम होने लग जाती, बोले क्यों? बोले ये चंद्रमा में जो माध्याकर्षण शक्ति, ये चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, और चंद्रमा तो पृथ्वी को खींच नहीं सकती, लेकिन उसको प्रभाव कहाँ पड़ती है? ये पानी के ऊपर, क्यों? पानी तरल है, इसलिए चंद्रमा जितने बढ़ती जाती है उसका प्रभाव उतना पानी के ऊपर उतना ज्यादा प्रभाव पड़ती है, उतना खींचती है, और समुद्र बड़ा है इसलिए उसको ऊपर में उतना ही प्रभाव, बड़ी बड़ी लहरिया, बड़ी बड़ी लहरिया उसमें आती है। कहते उसी तरह हमारा जो शरीर है वो 5 चीज को तरह बना हुआ है, बताओ तो कौन बोलेगा? बताओ हमारा शरीर 5 चीज कौन सा चीज में बनी हुई, बोलो कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, अरे बोलो, हाँ बोलो जोर से, कौन बोलेगा? पीछे बच्चे लोग को बताओ, हमारा शरीर 5 चीज को तरह बनी हुई, बताओ ये कौन सा चीज 5 चीज है? अरे बोलो बच्चे लोग बताओ, कोई बोल नहीं रहे हो, हाँ इसलिए उसमें ये 5 चीज है, मिट्टी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 चीज को तरह शरीर बनी हुई। आप लोग ये बताओ शरीर में ये 5 चीजों में सबसे ज्यादा क्या चीज है? बताओ 5 चीजों में सब बता दो, बच्चे बताओ, जल, जल शरीर में सबसे ज्यादा जल है, बताओ कितने परसेंटेज जल है? कितने? 75-80% कभी कभी शरीर में इतने सारे जल है, इसलिए शरीर में ये जल होने का नाते
ये चंद्रमा का जो प्रभाव है ये शरीर के ऊपर पड़ता है। आप लोग देख लेना, जिनकी घुटन में दर्द है, जिनकी कमर में दर्द, आप स्वयं देखना, वो एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा होगी, द्वादशी का दिन और ज्यादा, पूर्णिमा में इतने दर्द होगी, इतने पूर्णिमा में दर्द होगी, आप सो भी नहीं सकते हो। आप देखना किसी श्मशान में जाओ, देखना एकादशी का दिन पूर्णिमा को अंदर में ज्यादा लोग मरते हुए देखोगे। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, देखना ज्यादा जो बीमारी लोग, आप लक्ष्य करके देखना, वो एकादशी से पूर्णिमा तक ज्यादा बीमारी लोगों को देखोगे। आप कहीं खून खराबी देखना, लड़ाई झगड़ा, देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा खून खराबी होती है। कहते माताओं के अंदर में के चिड़चिड़ा पड़े भी, आप देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा आएगी। आप लोग ध्यान दे देना, कारण यही है, ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का वो चंद्रमा जितने बढ़ती है वो आकर्षण करती है, और आकर्षण पानी के ऊपर ज्यादा होता है, और ये शरीर पानी का मात्रा इसमें ज्यादा है, इसलिए ये बीमारी तरह तरह का सृष्टि होता है। आप देखना उसी दिन अन्न खाने से शास्त्र ने बताया कि अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या सारे पाप है, और पाप से क्या होता है बीमारी, बीमारी होने पर क्या होता है हम दवा लेते हैं। देखो कहते मेडिसिन, क्या नाम है, मेड ईट सीन, सीन मतलब क्या, पाप, क्रोसीन, टेरामाइसिन, देखना सारे दवा का नाम क्या क्या है, सीन 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 मतलब क्या, ये पाप। कहती बीमारी क्यों होता है, कहते सब पाप से बीमारी होता है, एकादशी दिन अन्न भोजन करने से सारी बीमारी होती है, इसलिए दवा का नाम इसलिए मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, सीन 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 सब देते हैं। इसलिए एकादशी का दिन, एकादशी का दिन क्या खाने के लिए बताए, बल ऐसे क्यों, ये गेहूं आटा खाने के लिए क्यों बता, चावल खाने के लिए क्यों बताए, देखो क्या साइंस है, देखना ये आटा चावल स्पंज जैसे होता है, स्पंज जैसे, आप रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, फिर पानी पियोगे, इसलिए शरीर में जितने पानी ये ऑब्जर्व करेगा ना, जितने ये पानी को, ये जितने पानी को खींचेगा, तुम देखना कि शरीर में इतना पानी जाएगी, जितना शरीर में पानी जाएगी उसके ऊपर में चंद्रमा की उतना प्रभाव पड़ेगा, वो शरीर उतना बीमारी बीमारी उतना ग्रस्त होगा, इतने बीमारी ग्रस्त हो गए। इसलिए कि रोटी चावल खाने के लिए मना किया, क्या खाने के लिए बताया, फल मूल खाओ, क्या खाओ, जैसे फल खाओ, वो पानी नहीं मांगेगा, फल पानी मांगेगा नहीं, पानी नहीं मांगेगा, इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया बोले फल मूल खाओ, जो पानी ज्यादा नहीं मांगेगा और शरीर में पानी ज्यादा नहीं जाएगा तो बीमारी ग्रस्त नहीं बनोगे, जितना पानी जाएगा शरीर में इतने बीमारी बनेगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो रीजन दिया है व्रत की, ये परफेक्ट एक साइंस है, ये अर्थात अगर कोई सही साइंस है, ये भक्ति ही केवल सही साइंस है और कोई सही साइंस नहीं। इसलिए कल एकादशी व्रत है, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। देखो मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, मैं अपना अनुभूति बात बता रहा हूँ, मैं यूरोप गया था, वहां पर एक है, वहां पर एक रोटरडम है, हमारी परिवार भक्त का परिवार में कोई किसका पिताजी 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थे और आईसीआई में थे, एकदम बेहोश होकर पड़े हुए थे, प्राण नहीं जा रही थी, उनका प्राण गला में अटक गया था, उनका पूरा परिवार दुखी दुखी, प्राण नहीं जा रहा है। मैं गया था तो उनका परिवार बोले बाबा थोड़ी सी हमारा पिता किसी तरह से मर ही नहीं रहे, गला में प्राण अटक गया, उसमें टाटी पेशाब 2 साल से कर रहे, मेरे को लेकर गए, मैंने थोड़ा सोचती बात ने पढ़ करके आशीर्वाद दिया, मैंने कहा एक काम करियो, आपका पूरा परिवार वाले एकादशी व्रत रखो और एकादशी व्रत करके इनका फल दे दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी है एकादशी, इनके दुख कष्ट हमको देखा नहीं जा रहा, मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार वाले संकल्प कर लो, संकल्प करके आप आज एकादशी का व्रत दो। उन लोगों ने संकल्प करके एकादशी व्रत दिया तो उसी रात में उसने प्राण त्याग दिया, उसी रात में प्राण त्याग दी। बोले एक घटना नहीं, वैसे 100 घटना अपना जीवन में देखा। राजस्थान से कोई यहाँ पर है, राजस्थान वाले कौन, राजस्थान के, देखो एक माता जी, ये राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, प्राण नहीं जा रहा है, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओगे, बोले भैया जल्दी जल्दी इनके प्राण कैसे जाएगा, ये पाप से मुक्ति कैसे होगी, उनने कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगी,
बोले कि कोई है जो एकादशी व्रत करके भी फल दे सकता उन्हें, और कोई बार व्रत वहां नहीं बताएंगे, बोले केवल एकादशी व्रत करके इनके फल दे दो, इसी से ही इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। वृंदावन में क्या हुआ, एक एक ट्रक में एक गैया की एक्सीडेंट हो गई। हमारे अमेरिका से एक माता जी, हमारे बड़े गुरु जी की शिष्या थी, वो गैया रास्ता को बीच में ट्रक में हड्डी बस एकदम टूट गया, छटपट छटपट कर रही थी। वो हमारे बड़े गुरु जी को पास में आई, बोले गुरु जी एक ट्रक में एक्सीडेंट हो गया गैया की, और वो गैया बड़ा कष्ट उठा रहा है। गुरु जी ने कहा एक काम करो, वो गैया की कान में जाकर के बोल दो, हैं गैया की कान में जाकर के बोल दो, एक एकादशी का फल मैं दूंगा, एक एकादशी का फल मैं दूंगी। उनने जो बोले ना, बोलते ही गैया ने प्राण त्याग दे दिया। आप लोग देख लेना, घर में बड़े से बड़े बीमारी दुख कष्ट है, अब एकादशी व्रत करके फल दो, क्योंकि इसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, खाली स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए ये एकादशी की इतने महिमा, इसलिए कल भागवत में एकादशी व्रत है, इसलिए आप लोग कोशिश करना कल सबके सब श्री एकादशी व्रत को रखने के लिए, ठीक है ना। बोले श्री एकादशी व्रत की जय, जय श्री राधे। हाँ, अभी हम श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। हाँ, कल देखो, कल श्री कथा का विश्राम है, कल कथा की अंतिम भागवत समाप्त नहीं होता है, कल भागवत की विश्राम का दिन है। कल कृष्ण रुक्मिणी की विवाह है, और भगवान की रासलीला है, और भगवान की सुदामा की कल चरित्र है, कथा की विश्राम का दिन है। इसलिए कल भगवान कृष्ण शादी करेंगे, इसलिए कल आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके आना। बोले कौन सा रंग की, सबके सब लाल रंग के साड़ी पहन करके आना, ठीक है ना। भगवान की बारात में आना ना, ठाकुर जी की शादी होगी, बांके बिहार की शादी होगी, ठीक है ना। सबके सब दुल्हनी बन करके आना, कहते ना आओ मेरी सखिया मुझे, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हनी बना दो। सबके सब श्याम सुंदर कल दुल्हनी बनकर के आना। हाँ भैया, नंदा और जसोदा कृष्ण तैयारी हुई कि नहीं, और रूबी कहाँ गई। हाँ जाओ, तुम्हारे पिता माता को नंद जसोदा बना दो, और वो जो छोटा बच्चा है ना उसको कृष्ण बना दो। अभी गिरिराज की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज धरण की जय, जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा। आप लोगों ने कौन कौन गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो। हाँ देखो, ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये कोई पहाड़ नहीं है, इनकी कथा गर्ग संहिता और विभिन्न पुराण में इनकी कथा आती है। इसलिए कल आप लोगों ने सुना था ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये कौन है, ये साक्षात स्वयं भगवान बांके बिहारी हैं। इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब क्या, सारे इच्छाओं को जो हमारी पूरी कर देते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कल हम लोगों ने सुना था स्वयं गिरिराज ने वरदान दिया, अगर कोई उनकी सेवा में एक अन्न का दाना श्री गिरिराज की सेवा में अगर कोई लगा दे तो कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ता है, इतना श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से, सब कहाँ जा रहे हो, सब कहाँ जा रहे हो। हाँ छप्पन भोग हाँ, दो मिनट बाद मिले, दो मिनट बैठ जाओ तैयार कर ले। हरे कृष्णा। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कहाँ से आए, ये कौन है। बोले ये गर्ग संहिता की कथा है। बल एक समय गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। बल इतना एक सुंदर स्थान हो जहां पर सुंदर झरनाएं हो, सुंदर नदी हो, सुंदर वृक्ष हो, सुंदर फल फूल हो, जहां पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ हो,
जहां पर सुंदर कुंज हो, जहां पर सबसे पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो। इतने में श्री राधा रानी अपना हृदय से ही उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को अपना हृदय से उन्होंने प्रकट करते हैं। एक बार गिरिराज की जयकार दो, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अरे जोर से जयकार लगाओ, जितने जोर से गिरिराज की जयकार लगाओगे ना हमारा उतना ही जय हो। इसे जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज बाबा की। एक दिन कृष्ण श्री राधा जी से बोले, हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोली, मैं नहीं चलती हूँ। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, जहाँ पर यमुना महाराज नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? कृष्ण ने कहा, हे राधे जब ये गोलोक वृंदावन से ये मरते जगत में उतरूंगा, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, संपूर्ण ये गोलोक वृंदावन को मैं उतार लूंगा, संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन स्वयं आ जाएंगे। राधा जी बोले, फिर तो मैं चलूंगी। राधा रानी तभी राजी हो गई। इसका मतलब है कि जो 84 ब्रजमंडल कभी आप जाओ, वहां पर जो यमुना देखोगे, गिरिराज देखोगे, नंदगांव देखोगे, ये इसी जगत का कोई वस्तु नहीं है। वो गोलोक वृंदावन से जो बांके बिहारी जी आए, वो पूरा गोलोक वृंदावन से उन्होंने यहाँ पर उन्होंने उतार लिया है। अभी भगवान जब आए, गिरिराज गोवर्धन स्वयं आए, जब आए देवता लोग पुष्पों की बौछार की और श्री गिरिराज बाबा की उन्होंने जयकार लगाए। अभी कभी ये गिरिराज गोवर्धन ये वृंदावन में जो है वो कहाँ से आए? बोले एक समय जब प्रभु राम माता सीता को उद्धार करने के लिए लंका विजय कर रहे थे और श्री समुद्र ने कहा, आपके साथ में दो बंदर है, एक नाल और एक नील है, इनको वरदान है ऋषि की, ये कोई भी वस्तु को स्पर्श कर ले वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं वो तैरेगा, इसलिए बड़े से बड़े पत्थर लाओ और इनको हाथ में छुला दो, फिर वो तैर कर आएगा। प्रभु राम ने आदेश दिया, बड़े से बड़े पत्थर ले आओ और जल्दी जल्दी पुल बंध जाए। हनुमान जी ने देखा, बड़े से बड़े अगर कहीं पहाड़ मिले ना उसको उठा करके ले आता हूँ, फिर जल्दी से जल्दी ये पुल बंध जाएगी। और ढूंढते ढूंढते जब सालमल द्वीप में पहुंचे, वहां पर देखा ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने देखा, विशाल श्री गिरिराज गोवर्धन। और हनुमान जी ने पूरा एक हाथ से उन्होंने पूरा पहाड़ को उठा लिए। और जब आ रहे थे, इतने में ये पुल बांधना समाप्त हो गई। समाप्त हो गई तो भगवान राम ने बोले, देखो जो बंदर लोग पहाड़ ला रहे हैं वो पहाड़ को बोल दो वहीं रख ले। इतने में हनुमान जी पहाड़ को वहीं पर रख दिए। अभी ये गिरिराज गोवर्धन तो रोने लग गए, बोले प्रभु अगर वहां तक ले चलते कम से कम प्रभु की चरण की तो सेवा मिलता, माता सीता की उधार होती, आप तो हमको बीच में उतार दिया, अभी हम ठाकुर को सेवा में कैसे लगेंगे? हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे और उसी समय में ये गिरिराज गोवर्धन तुम्हें उन्होंने कनिष्ठ अंगुल को ऊपर उठा करके रखेंगे और जितने ब्रजवासी सबके सब तुम्हारी नीचे ये सबके सब आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण गैया चराएंगे तुम्हारे ऊपर में, कृष्ण रास रचाएंगे, कोई चिंता मत करो। ये एक कथा है, ये गिरिराज गोवर्धन कैसे ब्रज में आए हैं। एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़े सुंदर मिठाई बना रही थी। इतने में कृष्ण जाकर पिताजी से पूछ मैया से पूछे, बोले मैया मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ ये सब क्यों बना रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा पिताजी को जाकर के पूछो। अभी उन्होंने श्री पिताजी को पास में गए, बोले पिताजी ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है, कल क्या है, क्या मेरी जन्मतिथि है? बोले लाला नहीं। बोले फिर? बोले बेटा हम श्री इंद्र पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग का राजा है और इनकी अधीनी में मेघ है,
हम लोग सब के सब ग्वाला है। हमारा जो मूल संपत्ति गैया, इंद्र के आदेश पर ये पर्जन्य ने उपयुक्त समय पर बारिश बरसाता है, उससे घास उगता है, गैया घास खाते हैं और वो घास खा करके दूध देते हैं और दूध से ही जितने मलाई और दूध से मिठाई, दूध से दही, जो कुछ बनता है सब कुछ दूध से बनता है। इसलिए हमसे इंद्र पूजा करेंगे। कृष्ण ने कहा, पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे ना पिताजी, ये गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये ब्रज की ये प्रकट देवता श्री गिरिराज गोवर्धन। घास कहाँ होता है गिरिराज में? गैया घास यही खाते हैं। झरना कहाँ से निकली? गिरिराज से। मेघ कैसे होता है? आकर के गिरिराज में टकरा करके बारिश होती है। पिताजी ये गिरिराज साक्षात हमारी ब्रज की देवता है। अगर ये गिरिराज की आप पूजा करोगे ना, आप जो कुछ मांगो गिरिराज से, धन दौलत पुत्र परिवार सुख शांति, ये गिरिराज सब कुछ प्रदान करता है। बोले, पिताजी ये बताओ आप कितने सालों से आप पूजा कर रहे हो इंद्र? बोले, बेटा जब से होश आया। बोले, पूजा करते समय आपने कभी दर्शन किया इंद्र ने? कभी उन्होंने भोजन किया देखा? बोले, नहीं। बोले, पिताजी जब आप गिरिराज गोवर्धन की आप पूजा करोगे, इन्हीं आंखों से देखोगे स्वयं प्रकट हुए, इन्हीं आंखों से देखोगे उन्होंने ग्रहण करते हुए, और इन्हीं आंखों से आप उनसे वर मांगोगे, जो कुछ गिरिराज मांगोगे वही मिलेगा। बोले, लाला हम इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन मिलेगा? बोले, हाँ पिताजी इन्हीं आंखों से साक्षात दर्शन मिलेगा। बोले, भैया कल श्री इंद्र पुजारी किसकी पूजा करेंगे? श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले, कल इंद्र पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। बोले, श्री गिरिराज महाराज की जितने ब्रजवासी थे ना, वो सब के साथ जो एक किलो लड्डू बना रहे थे, एक किलो, उन्होंने बोले गिरिराज ताई हम दो किलो लड्डू बनाएंगे। जो आधा किलो पूरी बना रहे थे, बोले हम दो किलो पूरी बनवाएंगे। जो चार किलो बना रहे थे हैं हलवा बना रहे थे, हम तो बोले पांच किलो गिरिराज की ताई बनाएंगे। वहां पर कदे दो तरह का तो कढ़ी बनवाए, कदे एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। बोले, सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हो, राड़ कढ़ी बगैर पकौड़े के जो बनता है। कदे दो तरह का चूरमा बनाए, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब जिसको पतले में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। और पांच तरह का तो दाल बनवाए, मूंग की, अरहर की, छोले की हैं, और तरह तरह का मटर की, पांच तरह का दाल बनवाए, और कितने तरह का पराठा, 15 तरह का तो पराठा बनवाए, आलू की, गोभी की, बथुआ की, मेथी की, मूली की, घिया की, कितने तरह का तो पराठा बनवाए। इसलिए उसका नाम पड़ गया चार तरह का चावल बनवाए। हम लोगों ने कुछ लाए हो चावल, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक फीका चावल, एक मटर पनीर डाल करके, चार तरह का तो चावल लाए वहां पर, और इतना लाए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब क्या है? अन्न मतलब होता है अन्न, कूट मतलब होता है पर्वत, रोटी का पर्वत, समोसा का पर्वत, पराठा का पर्वत, जलेबी की पर्वत। इसलिए 365 गांव ब्रज में, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव, वहां पर 365 गांव से इतने लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया, इतना खाने लाए। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करके एक लोटा गंगा पानी थी, और पानी डालते तो उनका बाल ही नहीं मिला। बोले, भैया पानी लाओ। बोले, कुएं का ना तलवा। बोले, नहीं, गिरिराज का अभिषेक तो गंगा पानी से होनी चाहिए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमारा इंद्र ही अच्छा थे, भैया कोई भी पानी में नहा लो, और तेरे ऐसे देवता वो गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं, अगली बार तो भैया इंद्र पूजा करेंगे। हे बोले, हमारे देवता को ऐसे मत समझो। बोले, तुम्हारा देवता अगर गंगा प्रकट कर दे ना फिर समझेंगे। बोले, चिंता क्यों कर, तो आंख बंद करो। ब्रजवासी लोग आंख बंद किया तो
कृष्ण मानसी गंगा को स्मरण किया तो स्वयं वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई, कलकलनाद से मानसी गंगा प्रकट हो गई और सब लोगों ने देख रहे थे साक्षात गंगा देवी मगरमच्छ के ऊपर खड़ी हुई है, मगरमच्छ के ऊपर में खड़ी हुई। फिर सारे ब्रजवासी उसमें स्नान किया और गिरिराज को उन्होंने खूब उन्होंने स्नान करवाया। गिरिराज की बोले श्री मानसी गंगा की अभी कृष्णा गिरिराज को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और जो खाना लाए थे ना हमारे वो कहाँ गया? हाँ हरे कृष्णा वो लोग क्या ला रहे हैं प्रसाद को वहाँ से? बोले जल 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 देख रहा हूँ फटाफट लेकर गया अभी। हाँ एक गिरिराज का कीर्तन गा लेते हैं, वो सब सजा जाकर ला रहे हैं गिरिराज जी को। एक गिरिराज खंड बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो हरे कृष्णा कल है कथा की विश्राम का दिन है, कल रुक्मिणी की शादी है। अगर आप लोग अगर रुक्मिणी के विवाह में अगर कोई साड़ी देना चाहते हो, अगर आप लोग कोई अच्छा साड़ी दोगे ना हम वृंदावन में सिर्फ राधा रानी को हम पहनाएंगे, ठीक है? अगर कोई अच्छे साड़ी लाओगे वृंदावन में सिर्फ राधा रानी को पहनाएंगे। रुक्मिणी विवाह में कोई साड़ी देते हैं देना तो ला सकते हो। और कल श्री एकादशी व्रत है, इसलिए कल मेरे को कोई कोई पूछ रहे थे हम हरिनाम लेना चाहते माला लेना चाहते, कल एकादशी है अच्छी दिन है, अगर जिनकी इच्छा होगी हम माला लेकर जप करना चाहते हैं कल आप लोग आकर के सवेरे अगर 8-9 बजे आओगे माला आप लेकर के भजन कर सकते हैं। गुरु गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी
गिरिराज की प्रसाद लेकर सबके सब जाना है, ठीक है। हाँ देखो जितने सारे सब सामान लाए थे ना, ठीक बैठ, कोई बात नहीं। इसलिए जितने सारे सामान लाए थे सब में तुलसी बता दे दी और श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने आह्वान किया, चरण में पुष्प दिया, हाथ धोए। जब गिरिराज को उन्होंने अर्पण की, साक्षात गिरिराज गोवर्धन वहां प्रकट हुए और सारे ब्रजवासी दर्शन कर रहे थे और गिरिराज गोवर्धन ने कहा, देखो मैं स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन हूं। आज का दिन जो लोग ये गिरिराज के अन्नकूट महोत्सव में केवल एक अन्न का दाना मेरे सेवा में लगा दी, मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की
अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये गिरिराज स्वयं आशीर्वाद दिया है। हम लोग गिरिराज गोवर्धन जाते होंगे, देखना वहां 12 महीना अन्नकूट चलता है। बड़े बड़े देश यहाँ तक विदेश से लोग आकर के वहां पर गिरिराज की अन्नकूट बनाते हैं, दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं। आप जतिपुरा में देखे होंगे, वहां तो जैसे झरना में दूध बहती है ना, ऐसे ही इतने अभिषेक करते हैं, वो झरना में दूध बहते बहते जा रही है। इतने गिरिराज ब्रज की प्राकट देवता, मतलब प्रत्यक्ष देवता अगर कलयुग में कोई है, कहती है श्री गिरिराज बाबा है, क्योंकि इनसे आप जो मांगोगे ये गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करते हैं। आप और हमारी इच्छा छोड़ दो, भगवान कृष्ण का भी इच्छा जो पूरी करते हैं ये श्री गिरिराज बाबा। इतने गिरिराज की महिमा, ये गिरिराज की इतने महिमा क्यों, ये गिरिराज की पूजा किसने की, ये स्वयं बांके बिहारी स्वयं अपना हाथों से गिरिराज की पूजा की, इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा। परिक्रमा किसने लगाई, एरे गरे व्यक्ति नहीं, राधा रानी स्वयं, कृष्ण स्वयं, नंद बाबा, ब्रजवासी, ये सबके सब मिल करके भगवान स्वयं ये गिरिराज की परिक्रमा की। अभी अधिक महीना आएगी, अभी अधिक महीना आएगी, अब जरूर अधिक महीना की विशेष महत्व है। उसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई भक्ति करो ना, बहुत फल मिलता है। अब अधिक महीना में जरूर गिरिराज गोवर्धन जाना, आप देखोगे कितने गिरिराज गोवर्धन में कितने लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लाख लाख लोग गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। 5 मील पहले तो गाड़ी घोड़ा बंद कर देते हैं, अंदर में जाने नहीं देते, इतने भीड़, क्योंकि अधिक महीना की विशेष महत्व है। ये पुरुषोत्तम महीना की विशेष महत्व है, इसलिए आप लोग जरूर पुरुषोत्तम महीना में जाना। आप देखना गिरिराज गोवर्धन, आप गिरिराज गोवर्धन का कोई एक पत्थर उठा करके लेना, कोई भी एक पत्थर उठा लेना, आप देखना बांके बिहारी की जरूर कुछ ना कुछ चिन्ह, कोई गोपाल मिलेगा, कहीं श्रीनाथ जी, कहीं चरण चिन्ह, कहीं जुगल किशोर जी चिन्ह, कहीं नरसिंह भगवान, कोई भी एक पत्थर उठा करके देखना, भगवान की कोई ना कोई चिन्ह उसमें मिलेगा ही, क्योंकि गिरिराज और कोई नहीं, कौन है गिरिराज, ये साक्षात श्री बांके बिहारी, ये कृष्ण स्वयं श्री नारायण, ये गिरिराज की रूप धारण किया है। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा है, इनसे आप जो कुछ मांगना आप गिरिराज से मांग सकते हो। ये गिरिराज आपकी सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज पूरी करने वाले, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। अब जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री श्री राम। इसलिए कल कथा की विश्राम है, सबके सब सज्जत करके आना, क्योंकि कल भगवान बांके बिहारी की शादी है रुक्मणी को साथ में। जैसे बारात में जाती ना, जाती कि नहीं शादी में, कैसे जाते हो, सबसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके। इसलिए कल जितने कपड़ा सब पुराना हो रहा है, जो बढ़िया शादी का समय में जो लहंगा चुनरी सब निकाल करके कल सबके सब सज्जत करके आना। और कल श्री आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी बना लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की, श्याम सुंदर की जोर से बोलो, हाँ दुल्हन बना दो। कल जो भगवान की बांके बिहारी की शादी में आएगा ना, बांके बिहारी अपना दुल्हन ही बना देगी, हैं, फिर अपना पटरानी बना कर गोलोक वृंदावन में स्थान दे देगी, ठीक है। इसलिए अभी सबके सब खड़े हो जाओ, अभी श्री गिरिराज गोवर्धन की अभी कीर्तन प्रभु जी गाएंगे, और गिरिराज के सामने सबको सब नाचना, ठीक है। ठाकुर के सामने जो नाचोगे सारा दुनिया में नाचना बंद हो जाएगा। बोलो गिरिराज महाराज की। हरे कृष्णा। हाँ देखो, कल कल जो लोग माला लेकर के भजन करना चाहते हो, कल एकादशी अच्छी दिन है, इसलिए जो चाहते हैं हम माला लेकर के भजन करना चाहते हैं, कल आप लोग आकर के माला ले लेना, ठीक है। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो गोवर्धन को I'm a man.
Thank you.
सभी लोग हाथ उठाएगा, हाथ उठाकर बोलेंगे क्या करेंगे, सभी लोग बजाकर बोलेंगे राधे राम को खुशी लगा के। अरे प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, ताली बजा के Oh,
महापुराण की
राधा मनोहर जीवनी श्री राधा दामोदर जीवनी राधा श्याम सुंदर जीवनी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की बोलो फरीदाबाद के सभी भक्त वृंद की भारत माता की सब संस्थान की सब भक्तन की आदि के आनंद की हरिनाम संस्कीर्तन की बोले गिर